जो हम दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं वैसे ही वाइब्रेशंस हमको जाते हैं। तभी बाबा शुभ भावना शुभकामना की बात कहते हैं, सदा कोई कैसी भी आत्मा है उसके प्रति शुभ भावना रखो। तो हम कई बार सोचते हैं मैंने इसको तो कुछ कहा नहीं, लेकिन ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने मुंह से कुछ नहीं कहा लेकिन कैसे कह दिया, कैसे कह दिया, मन से कह दिया। मन से मुझे जो बात पसंद नहीं है वो अपने मन में मैंने सोच ली, अच्छा ये ऐसे में है, ऐसे में है, ऐसा कर रही है। तो मेरी वृत्ति जो उस आत्मा के प्रति है वो उस तक पहुंच जाती है। एक बार ऐसे ही एक बूढ़ी माता, वो कुछ बोझ वाला सामान था उसके हाथ में, अपने गाँव जा रही थी, पैदल जा रही थी, तो उसको बड़ा मुश्किल हो रहा था और गाँव थोड़ा दूर था कुछ किलोमीटर। तो पास से घोड़े वाला गुजरा तो उसने उसको जोर से आवाज लगाई, कहा रुको रुको तुम क्या उस गांव में जा रहे हो। तो उसने कहा हाँ। तो उसने कहा ये मेरे को बहुत बोझ लग रहा है, तुम तो घोड़े पर जा रहे हो, अपने घोड़े पर इसे रख के वहां तक पहुंचा दो। तो उसने कहा नहीं नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे जल्दी जाना है। तो रुका नहीं, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही वो थोड़ा आगे गया तो उसको वो अच्छा आदमी नहीं था, तो उसने सोचा कि ये बुढ़िया मुझे अपना सामान दे रही थी, मैंने ले क्यों नहीं लिया, जरूरी थोड़ी था कि मैं उसके गांव पहुंचा था, मैं ले जाता इसको और जो उसका था वो मुझे मिल जाता। और इधर बुढ़िया ने भी सोचा कि मैं भी कैसी मूर्ख हूँ, मैं अनजान आदमी को बोल रही हूँ मेरा सामान तू ले जा और गाँव पहुँचा दे, कहीं ये गाँव ना पहुँचाए और खुद ले जाए। देखो दोनों के विचार, तो वो उस विचार से वो पलट कर आया। तो उसने कहा कि माँ दे दो मुझे, मैं तुम्हारा सामान पहुंचा दूंगा। तो उसने कहा नहीं अब नहीं देना है मुझे। तो उसने कहा क्यों नहीं देना है। तो उसने कहा कि अब मुझे समझ में आ गया, जिसने तुम्हें कहा है लेने के लिए उसने ही मुझे कहा है नहीं देने के लिए। एक दूसरे की बात कैश हो गई। तो ऐसे ही हम वाइब्रेशन के लेवल पर एक दूसरे को कैच कर लेते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है।